हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेशेजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो आपके सीटी एग्ज़ाम हो या एनटीएससी एग्ज़ाम हो या फिर आपके आईआईटी जेई फाउंडेशन एग्ज़ाम हो या फिर आपके क्लास 10 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? इट इज अ लेमन जूस, टोमेटोज, मिल्क, और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबो। सो हियर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, विनेगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज इज डैश? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। लाइम वाटर इज डैश? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन इज, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनामेल इज डैश? सो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज टू डैश? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट प्रोडक्ट्स आर, इट इज अ सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑल ऑफ द अबो। सो हियर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज डैश? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज, कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज caused by dash? And the correct answer is option number 1, acids. Next one is, a spaceship which is able to accept a proton is called dash? Aur iska sahi jawab hai option number 2, base. Next one is, if pH value is greater than 7, then solution is? Aur iska sahi jawab hai option number 2, basic. नेक्स्ट वन है, पीएच ऑफ वाटर इज, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 7। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6, देन सॉल्यूशन विल बी ऑफ व्हाट टाइप? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, माइल्ड एसिड। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल बेसिस? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोक्साइड आयन्स। नेक्स्ट वन इज, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी डैश? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एंटासिड। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड? इट इज इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज सोर इन टेस्ट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, और ऑल ऑफ द अबो। सो हियर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। अ सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू ऑफ 5, ऑन एडिंग 10 ml ऑफ NaCl टू इट, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द न्यू सॉल्यूशन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नो चेंज इन पीएच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर्स इन प्रेजेंसेस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड डैश? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इंडिकेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
Next one is salt which are formed after the reaction between a strong acid and weak base are called dash. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एसिडिक सॉल्ट. The next question is the number of hydroxyl ions that one molecule of a base gives and dissociation is known as acidity of a base. It is a true statement. Next question है, dash are those salts that contain more than one basic or acid radical. और इसका सही जवाब है option number 3 mixed salt. Next question है, which of the following hydroxides is not an alkali? And the correct answer is option number 3 copper hydroxide. Next one is the acid which contains 4 hydrogen. और इसका सही जवाब है option number 4 acetic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीक ऑर्गेनिक एसिड इज अ डैश. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज डैश. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन द मोर डैश इट इज. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अल्कलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ बेस विच इज नॉट अ अल्कली इज. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जिंक हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ वीक अल्कली इज डैश सॉल्यूशन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट वन, अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज अबव 7 इज. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लिकर अमोनिया. सो देखा स्टूडेंट आपने कि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपको आपके आने वाले सीईटी एग्जाम हो या एनटीएससी एग्जाम हो या आईआईटी जेई फाउंडेशन एग्जाम हो या फिर क्लास 10 की एग्जाम हो, ये सभी आपके एग्जाम्स में आपको ये जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं ये यूजफुल होने वाले हैं. तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना. और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे इनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा. तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद.